रुवा देख रहल बानी बिहार के डिजिटल क्रांति के जनक न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, स्वागत बा राउर भारत लाइव चैनल में। और भारत लाइव के शो रुवा देखा तनी खूंटा ठोक कार्यक्रम। खूंटा ठोक कार्यक्रम में आज हम बात करें मोदी नीतीश तेजस्वी यादव कुर्सी बैठल बनी हमनी के मेंटर हमनी के गार्जियन विजय मिश्र बाबा। स्वागत बाबा हमनी के कार्यक्रम में। गोला तनी सौंसे भोजपुरिया जहान के और एह मीठ भाषा के बोले सुने और एकरा के दुलार करे वाला दुनिया भर के लोग के बड़ी बड़ी स्वागत करते नहीं खूंटा ठोक में। बाबा हम रुआ से चार पांच गो सवाल पूछे, बहुत बारीकी से ओकर जवाब रुआ दे। पहले तो तारा प्रश्न के पूछे से पहले हम एक बात बता दें कि तू ऐसा ना प्रश्न खड़ा कर देले वाला जौन प्रश्न अब बेचैनी बढ़ावत हुई हमनी के श्रोता के दर्शक के और पूरा बिहार के सहित सहित जे जे बिहार पर नजर गड़ौले बा उ सब लोग खातिर बेचैनी बढ़ा देला कि कुर्सी के कितना करीब। स्टार्टे वाला प्रश्न और वो ले लेनी है ना, बस माने ऐसा ना तू जगह पर ले आके प्रश्न छोड़ले बड़ा एपिसोड के शुरुआत के लिए बड़ा कि अब पूरा बिहार ये पूरा एपिसोड देखे खातिर मजबूर हुई कि आखिर कुर्सी के करीब के कितना पहुंच गई बा। तो अपन प्रश्न तू दोहराओ बाबू। एगो प्रश्न बटे पहलका प्रश्न जोन बा कि लोग कहता कि आरजेडी मतलब विपक्ष जोन बाटे, अभी आरजेडी विपक्ष बा महागठबंधन वो खत्म हो गई बा, अभी बताएं कि कैसे उभरी। देखो राजनीति में कभी केहू खत्म ना होला जी, और जब तक ले पार्टी या पार्टी में एक भी कार्यकर्ता बाड़े जी जी ओकर दिन दुनिया बदल सकेला जी। तारा याद हुई कि जोन आज सबसे दुनिया के ज्यादा जनाधार वाला जनसंख्या वाला पार्टी बोलू है भारतीय जनता पार्टी जी, ओकर सबसे बड़ नेता सदन में कहले रहन कि दू बानी 200 भी ओकब और 2000 भी ओकब अटल बिहारी वाजपेयी। हम बात कर दिवंगत अटल जी ए बात के कहले रही सदन में कि आज हमरा हंसे वाला लोग पर काल हमरो पार्टी हंसे के स्थिति में आ जाई। और आज तू देख ल कि दू आदमी से लेकर के आज अपना बदौलत पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी। वो एगो भोजपुरी कहावत है कि हंसले घर बसेला, बिल्कुल ये बात बढ़िया बात कहला। अब एकरा पर जे आरजेडी के खत्म बतावत रहे तो आरजेडी के खत्म तू ना कर सकल, तू आरजेडी 2005 में खत्म हो गई रहे जब लालू प्रसाद के सत्ता से हटा करके बेदखल करके नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके आ सरकार बनौनी तोने घड़ी आरजेडी खत्म हो गई रहे। लेकिन आज आरजेडी जीवित बा, नीतीश जी के मजबूरी भइल आरजेडी के साथ लेवे खातिर और उनका सहमतिया बने खातिर जी जी। एकरा मतलब कि पार्टी कभी खत्म ना होला, व्यक्ति खत्म होले, संस्था कभी खत्म ना होला। और आरजेडी के खत्म के जन बात कही जात रुए हो सकेला कि शक्ति संचय करत होके, हो सकेला आज भी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ पार्टी अगर जन जन विधायक वाली कह तो आरजेडी ही बा जी। आरजेडी आज भी सत्ता के केंद्र बिंदु में बा, हो सकेला एगो समय फेज आवेला जौना में पार्टी में थोड़ा सा 19-20 हो सकेला, नेतृत्व होके लालू प्रसाद के लेकर होके पारिवारिक बात के लेकर के होके ओ पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व बाड़े वो कहीं ना कहीं कोनो ना कोनो कारण से फसल वाले, चाहे वो कानूनी पचड़ा होके चाहे और भी व्यक्तिगत कारण होके, ये चलते हो सकेला कि थोड़ा सा कम पड़ लोके। लेकिन आरजेडी में नेता के कमी नहीं है, नेता से भरल बा आरजेडी, बड़का बड़का नेता आरजेडी में, बिल्कुल लालू जमाना के बड़ा बड़ा नेता रघुवंश बाबू शिवानंद तिवारी सब लोग अभी आरजेडी में मौजूद बटे। हर क्षेत्र में तू उठा के देख लो, चाहे जेकर भी बात कर लो, चाहे सिद्दीकी जी के बात कर लो, अब्दुल बारी रघुवंश बाबू के बात कर लो, ओकरा बाद रामचंद्र पूर्वे के बात कर लो, पार्टी के जगदानंद सिंह के बात करो, एक से एक नेता भरल बड़ा। और वो भी वो समय के नेता हवे जौन कांग्रेस के जौन पूरा अपना रंग में ओकरी कांग्रेस रहे ओकरा के उखाड़ कबार करे वाला ई लोग ह 1977 यानी के भी उखाड़ कबार कर दिलो ना। देखो ई तो जनता उखाड़ कबार कर ली जनता, लेकिन नेता नेतृत्व जौन कर ले उ नेतृत्व कभी भी एक क्लिक में पार्टी के रुतबा बदल सकेला, जनाधार बदल सकेला। कोई जे ना सोच ले रहे आज बिहार में 40 में से 39 सीट जीत करके एनडीए सबसे बड़ा पार्टी बा, 2 सीट से भारतीय जनता पार्टी के साथ गईला के चलते नीतीश कुमार जो 2015 में भारतीय जनता पार्टी के मात दिल रहे लालू प्रसाद के साथ,
उ लालू प्रसाद से अलग जा करके लोकसभा में 2 से 16 सीट जीत करके आज बढ़ बहुत बड़ा बात बनू। ऐसे आरजेडी खत्म नहीं है, आरजेडी रिवाइव कर सकेला और रिवाइवल में आरजेडी लागल भी बा। अच्छा एगो आउट सवाल बा, दूसरका जौन हमार सवाल बा, एकर जवाब रहुआ थोड़ा कठिन बुझाई लेकिन देम जरूर। बिल्कुल, आरजेडी के उराज फरार बारे ठीक बा, पिताजी जे बारे लालू प्रसाद यादव बीमार बारे, माताजी राबड़ी देवी लाचार बारी, आ बेटा एगो आउर बारे तेज प्रताप यादव उबे जार बारे, अब पार्टी के उद्धार कैसे हुई? देखो अभी मैंने तारा पहलका प्रश्न के जवाब में हम ये बात कहनी है जी जी, कि एगो फेज चल रहा बा जौना फेज में हो सकेला कि परिवार के लोग और पार्टी के संचालन करे वाला लोग कोनो कोनो कारण से थोड़ा परेशानी में होके जौना के चलते बार बार प्रश्न उठाते रहो, हमने के भी कई प्रश्न लगातार उठाते हैं कि आरजेडी कहीं ना कहीं हाशिए पर चल गई बा, समाप्ति की तरफ जा रहा बा, युवराज नई खान यानी कि तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव लगातार आज लगभग 70-80 दिन से गायब बान, लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कौना स्थिति में बान केहू नहीं के बता पावत, का करता नहीं के बतावत, पार्टी के बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता उसे गायब हो जाता, एक सब बात के लेकर के राबड़ी देवी अपने पूरा पार्टी के कैसे संचालन कर रहा बड़ी, तेज प्रताप यादव कभी कुछ कर रहा बान, उनका भी पारिवारिक झमेला चल रहा, पत्नी के साथ तलाक की अर्जी दाखिल कर बान, एक बाद राजनीतिक रूप से वह भी राजनीति से ज्यादा उधर्म कर्म में लागल बान, कभी हेने कभी होने कभी अलग अलग भाव भंगिमा करे ले, खैर वो सब उनका व्यक्तिगत बात बोलूए, लेकिन जहां तक आरजेडी के बात बोलूए कि आरजेडी के संभाले वाला तू सुन ले होबा कि अभी अभी जो सदस्यता अभियान के बैठक भर रहा, कार्यकारिणी के लोग जुटल रहा, 61 विधायक जुटल रहन, वो सब में ये बात कहल गई रहा कि पार्टी में नेता के कमी नहीं है, सिर्फ एगो उधा चाही, जैसे उधा होला तो होला कि खड़ाऊ रख करके पूरा रामायण ही पर निकल गई बा कि राम जी के खड़ाऊ रख के भरत जी देखले रह कि अपन शासन चल रहा बढ़िया शासन चल रहा, एक मतलब ये ना हो जाए कि कोई भी नेता हो जाए, नेता बहुत बड़े और सब लोग कहीं ना कहीं रिवाइवल में लागल बढ़ुए, हो सकेला कि आए वाला समय आरजेडी के ही होके। बिल्कुल, तीसरा जो सवाल बा हमार थोड़ा सा कठिन बटे ठीक बा, नीतीश मोदी जी के जो जोड़ी बटे लोकसभा में अब की विपक्ष के कबाड़ दिलक है ठीक बा, क्या तेजस्वी यादव इसे डेरा गई बड़े या फिर दोसर कुछ की तैयारी करता रहे, दोसर योजना बनावता रहे, 2030 की योजना बनावता रहे? तरह से बताया तो नहीं, बहुत जनता से लगातार हमने के जुड़ते बन जाए अलग अलग माध्यम से, अलग अलग एपिसोड के माध्यम से, चाहे वो तू बात कर ल एडिटर इन चीफ नमन मिश्रा जी के जी जी। या फिर बात कर ल सब एडिटर आर्यन आनंद के, या फिर और भी तू खुद भी तू मार्केट में घूम रहा बड़ा, कई नेता से तहार बातचीत भर बुढ़े लगातार लोग के बयान ले रहा बड़ा, ये सब के आधार पर जी जौन बात सामने आ रहा बा वो बात ई बा कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव खत्म होते भले आरजेडी हार गई महागठबंधन हार गई, लेकिन जितना महागठबंधन के और आरजेडी के 2020 के विधानसभा चुनाव खातिर चिंता नहीं किए, ओकर से ज़्यादा चिंता नीतीश कुमार के बढ़ुए और उनका से ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी के बाद, ऐसे कि तू भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के तैयारी लगातार देखत हो, अभी आरजेडी तैयारी 2020 के नीचे शुरू कर ले और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के ये दोनों आदमी के तैयारी बात के बता रहा बा कि अभी भी आरजेडी और लालू प्रसाद से कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टी के भय जरूर बा, ये जनाधार के समाप्त करे में अभी वक्त लगी, चूँकि MOI समीकरण जो लालू प्रसाद ले करके ये बिहार में आई रहन उस समीकरण आज भी भले ओकरा के ध्वस्त करे के बात करत हो के कि एम समीकरण जो बढ़ुए उ ध्वस्त हो गई बा, वाई समीकरण बढ़ुए उ ध्वस्त हो गई बढ़ुए, भाजपा और जदयू मिल करके दोनों समीकरण के अपना में आत्मसात कर ले बड़े, लेकिन आज भी तू देखब तो वही समीकरण पर हम खूटा टोक के बात करते हैं तरह से कि आने वाला समय निश्चित रूप से बहुत भीषण होके जा रहा बढ़ुए, अगर लालू प्रसाद के आरजेडी के खत्म होके की कोई बात करता तो ये बात स्वीकार नहीं है। अच्छा तेजस्वी जो बारे लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र हमें अराजक के नैया खे होता है उनका रणनीति का बटे वह बात तरह से अब कहता नहीं जी जी, कि जो सूत्र हमने के बता रहे बड़े अलग अलग लोग से बात हो रहा बढ़ुए, हालांकि मीडिया में बहुत तरह के बात चलता कहल जाता कि तेजस्वी यादव अध्यक्ष बने के बात करता रहन, तेजस्वी यादव हैसन बात करता, तेजस्वी यादव हैसन बात करता, चाहता रहन कि पूरा पार्टी उनका कमांड में रहे जी जी,
इस सब बात से इतर तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा योजना पर काम कर रहे बड़े जौन हमने के सूत्र बतैले हा उस सूत्र के हिसाब से अगर कहल देखल जाओ तो तेजस्वी यादव जैसे ही बिहार के राजनीति में पूरी तरह से फॉलो नहीं है तो एक नया रूप में आई है, एक नया कलेवर में आई है और वो कलेवर ऐसा हुई जौन बिहार के राजनीति में एक बड़ा भूचाल के तरह लेकर के आई। भूचाल ई बा कि आरजेडी में जौन आज तक नहीं खे भई तौन बात हुई। आरजेडी में जौन तेजस्वी यादव बड़न हो सकेला का कि जौन सूत्र बता रहे बड़े पूरी तरह से ऑथेंटिक न्यूज़ बढ़ुए खाली ओकरा पर मुहर लागे के बाकी बढ़ुए कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के भूमिका में कोई अल्पसंख्यक नेता के बैठे हैं। हो सकेला कि वो नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी के हो सकेला। ये बहुत बड़ा बात कहता नहीं और खूटा ठोक के जे हमरा से भी खबर बतैले बा आ चाहे जौन सूत्र हमनी के भीड़ तक की खबर लेके आइल बान तेजस्वी यादव के हवाले से उनका दावा बा खूटा ठोक के वो कहले बान कि आने वाला समय तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति में कुछ ऐसा विस्फोट करी हैं कि एम वाई समीकरण उनका से कहीं छटक ना सह पावे। एक तरफ जहाँ वो अभी भी तो उठा के देख ला तो यादव एम और वाई मुस्लिम और यादव जो समीकरण बढ़ुए दावा तो बहुत हो रहा बा कि भारतीय जनता पार्टी वाई समीकरण अपना तरफ कर लेबा और नीतीश कुमार एम समीकरण के अपना तरफ करे के हर प्रयास कर रहा। लेकिन ये बीच में अगर रुआ लोग खबर नहीं के देखले या जनता जो नहीं के देखले पीछे देख सकेला कि हम दो दिन तीन दिन पहले एम ई समीकरण बताइले रही कि एम ई समीकरण पर नीतीश कुमार काम करता रहे एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो बढ़ुए ओकरा पर और मुस्लिम पर फोकस पीले वाले। लेकिन कोई कहीं जाए वाला नहीं थे। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के रणनीति सूत्र बता रहे बड़े कि लालू प्रसाद के अंतिम रणनीति बढ़ुए जौन लेके आए बड़ान कि जौन नेता प्रतिपक्ष के पद बा ओहदा बा उ कोनो माइनॉरिटी सेक्शन के दे दिया और पार्टी के पूरी तरह से कमान जोन बा संगठन के उ तेजस्वी यादव देखा यानी कि अध्यक्ष लालू प्रसाद ही रही हैं लेकिन पार्टी के कमान जोन बा और संगठन के कार्य ई देखी हन तेजस्वी यादव और पूरा फुलन होकर के पूरे बिहार में दौरा करी हैं और ओकरा खातिर बहुत बड़ा रणनीति बनावल जाता। खबर के बाजार तो एहू से गरम बा कि कहीं शिवानंद तिवारी के नेता प्रतिपक्ष बनावल जाए ना। शिवानंद तिवारी के बनावे कोनो स्थिति नहीं है। ऐसे शिवानंद तिवारी के बनावे के स्थिति नहीं है कि शिवानंद तिवारी कोनो सदन के मेंबर नहीं खन। एकरा साथ साथ शिवानंद तिवारी उम्र से भी ई हो गेल बा और शिवानंद तिवारी संगठन में जौन कंट्राडिक्शन रहे पार्टी में उस तरह के हम पहले बता दी। कंट्राडिक्शन ये रहे कि कहल जात रहे कि आरजेडी में आज के समय में वरिष्ठ नेता लोग के मान सम्मान नहीं है लेकिन अब स्थिति ये भल बुड़े कि एक कोर कमेटी बनी जौन तेजस्वी यादव के साथ लेकर के और उनका के स्थापित करी। एकरा मतलब तू समझ गेला कि कॉम्बिनेशन जोन बनी तो ना में युवा और वरिष्ठ नेता लोग के एक कोलेबरेशन हुई और वो कोलेबरेशन में तेजस्वी यादव के संगठन के काम दिया जाए और आवे वाला 2020 के चुनाव में उतरे से पहले ओकर बिगुल फूके से पहले जैसे तू देखत रहे भारतीय जनता पार्टी और जदयू अभी से तैयारी शुरू कर ले बा और दोनों में आपस में भितरिया लड़ाई भी चल रहा बा कि हमार मुख्यमंत्री तो हमार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री खाती उनका के पहले ही से कहा जाते हुए कि अगर महागठबंधन सरकार बनी या फिर आरजेडी के सरकार बनी बने के स्थिति होता तेजस्वी यादव हुई चूंकि उनका संगठन के उनका गठबंधन के सारा पार्टी भी यह बात के कह चुकल बुड़े हमने के नेता जो हुई हैं वो तेजस्वी यादव हुई हैं तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में मुख्यमंत्री पद के लेकर के जबरदस्त रार भीतर छिड़ल बुड़ुए 15 साल हो गया के बाद भारतीय जनता पार्टी जहाँ एक तरफ कहते हुए कि अब मुख्यमंत्री हमार हुई हैं वैसा नीतीश कुमार खातिर एक अलग तरह की स्थिति पैदा हो गई बा। यह स्थिति में पूरा ठोक बजा के खूटा ठोक के जो योजना बन रहा बुड़ुए वो योजना बिहार में जबरदस्त एक हंगामा मचाई और राजनीतिक उथल पुथल हुई। आवे वाला समय में 61 गो विधायक के मीटिंग में शामिल होना है बात के तरफ इशारा करता कि तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठ करके कहीं ना कहीं उपागा एक पगहा में पूरा विधायक लोग के बहले बाड़न और उ पगहा वो खूटा से बनाइल बा जौन खूटा के नाम है लालू प्रसाद यादव। आज वो खूटा से बनाए बिल्कुल वो खूटा के कबारे के अभी तक क्षमता जोन बढ़ुए वो भारतीय जनता पार्टी या फिर नीतीश कुमार में नहीं खे आज भी
जदयू के जो दावा बटे कि आरजेडी के कितना विधायक हमनी के संपर्क में बारे ओकर जवाब ऑलरेडी सब कोई सुनल ऑन द रिकॉर्ड सुनल कि जेकरा पर पार्टी तोड़े के दबाव बनत रहे कारण बताओ जाते रहे कि उनका वो पार्टी तोड़े में सबसे अहम भूमिका निभाई है वो अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो एक बात बताओ तो देखले भी बाड़ा कि खुल के कहले बाड़े कि आरजेडी तोड़े वाला खुद टूट के बिखर जी हैं और जदयू के कई गो ऐसा नेता बाड़ा जौन जैसे ही पता चलल कि मुख्यमंत्री पद के दावेदारी नीतीश कुमार के 2020 में माने खातिर तैयार नहीं के भारतीय जनता पार्टी तो जदयू में भी बड़ा टूट के आसार नजर आता और यही योजना पर खूटा ठोक के योजना पूरे रणनीति बन रहा बा। और जौन की बात तरह से बताइए देनी कि लालू नाम के मजबूत खूटा से पूरा आरजेडी बंधल पड़ गए और वो खूटा के इर्द गिर्द ही परिक्रमा करे खातिर पूरा आरजेडी और बिहार के राजनीति मजबूर बा। आज भी लालू के नाम ले बिना ना भारतीय जनता पार्टी के बिहार में राजनीति पूरा होला और ना नीतीश कुमार के होला। दो तरह के राजनीतिक धारा बढ़ुए एगो लालू विरोध के और एगो लालू समर्थन के। लालू समर्थन में एक बार फिर से तू देख लिया कि चाहे तीसरा मोर्चा बने या जे भी मोर्चा बने अंततः घूम फिर करके अब के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं हाशिए पर नजर आ रहा बड़े और लालू प्रसाद के जो खूटा बा तेजस्वी यादव मजबूती के साथ खड़ा करी हैं जैसन कि सूत्र बता रहे बड़े अभी तक के जो खबर रहा तुम तारा लोग के बता दे तो ई रला हमने के खूटा ठोक के कार्यक्रम खूटा ठोक के रुआ कैसा लागल कमेंट करके बताई और अच्छा लागल तो शेयर करें। देखत रही भारत लाइव और जुड़े रही हमने के साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के